मेरे प्यारे दोस्तों सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि अधिवक्ताओं के लिए निषिद्ध कार्य, अर्थात कि जो अधिवक्ता बनने के बाद आप वो काम नहीं कर सकते हो, बिल्कुल प्रतिबंधित है। अधिवक्ताओं के लिए कौन कौन से कार्य प्रतिबंधित है जो नहीं कर सकते हो, बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। पहला कार्य, निर्धारित योग्यता धारण किए बिना वकालत नहीं करना। निर्धारित योग्यता धारण किए बिना वकालत नहीं करना। दूसरा जो प्रतिबंधित कार्य है, वकालत के साथ अन्य व्यवसाय नहीं करना। तीसरा है पक्षकारों को गलत राय नहीं देना। चौथा है विपक्षी के साथ दुर्भी संधि नहीं करना। पांचवा है अन्य अधिवक्ता के कार्यों में हस्तक्षेप न करें। अर्थात कोई अन्य अधिवक्ता पहले से उस काम के लिए लगे हुए हैं तो उस काम में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वादग्रस्त संपत्ति से सम्यवाद नहीं करना। रिश्वत आदि नहीं लेना। हड़ताल बंद आदि में भाग नहीं लेना। और साक्षी हो जाने पर पैरवी नहीं करना। अगर आप किसी मामले में साक्षी हो जाते हो तो उसमें पैरवी नहीं करना। ये मुख्य रूप से किसी भी अधिवक्ता के प्रतिबंधित कार्य हैं जो कि उनको नहीं करने चाहिए। थैंक यू दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहेगा।